इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ रेडियो मंत्रा आपके लिए पेश करता है मंत्रा हक से, जिसमें कहानियों और संवाद के माध्यम से आप अपने कानूनी अधिकारों मतलब लीगल राइट्स के बारे में जान सकते हैं। मंत्रा हक से। 15 से 26 जनवरी 2016 के बीच प्रसारित हुई इस कहानी के लेखक हैं इंडिया इंस्टीट्यूट के सृजन दुबे। आज की कहानी का शीर्षक है विचारों का बलात्कार। आज सामाजिक विज्ञान विभाग का वार्षिक महोत्सव था। इस बार समारोह में ऐसे नायक नायिकाओं का अभिनंदन किया जा रहा था जो हमारी तरह ही आम जिंदगी बिताते हैं। मंच पर दीप्ति नामक 30 वर्षीय महिला का परिचय देते हुए बताया गया कि वह सामूहिक बलात्कार की पीड़िता थी। ऐसा सुनते ही सभागृह में सन्नाटा छा गया। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी तो कुछ के चेहरों पर दीप्ति के आत्मविश्वास को देखकर आश्चर्य। दीप्ति ने बोलना शुरू किया, नमस्कार मित्रों, मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझे सहानुभूति भरी नजरों से देखें। मैं पीड़िता जरूर हूं पर लाचार नहीं। मेरे गुनहेगार इस वक्त जेल में हैं और आज मैं आपका आत्मविश्वास बढ़ाने आई हूं। इतने में एक छात्रा ने सवाल पूछा, लेकिन दीदी पुलिस वाले तहकीकात के वक्त तरह तरह के सवाल पूछते होंगे और ऊपर से डॉक्टर भी जांच के वक्त सीमा पार कर सकते हैं, एक लड़की ये सब कैसे झेल सकती है। दीप्ति बोलने ही वाली थी कि एक और सवाल आया, और हमने तो फिल्मों में भी देखा है कि किस तरह से निजी सवालों का जवाब अदालत में देना पड़ता है। दीप्ति ने इन सवालों का जवाब देते हुए कहा, नहीं बहनों, लड़की के निजी जीवन की बातें जानने की FIR के वक्त कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेडिकल जांच के भी आधुनिक और बेहतर विकल्प मौजूद है। बहन, कानून भी नहीं चाहता कि ये किसी के साथ हो। यहाँ तक कि जज साहब अगर चाहें तो मुकदमे से संबंधित सभी बातों को जनता से गुप्त रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में अभी भी कई बदलावों की जरूरत है जिनमें वक्त लगेगा, परंतु अभी इस वक्त ही अगर कोई बड़ा बदलाव आ सकता है तो वो है आपके नजरिए में। कभी ऐसा ना सोचिएगा कि बलात्कार से औरत की इज्जत लुट जाती है। आप खुद बताइए, अगर किसी के घर चोरी होती है तो बदनामी उसकी होती है या चोर की। सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा। आइए अब हम इस कहानी के बारे में विशेषज्ञों के विचार और आपके सवालों के जवाब सुनते हैं। जानिए अपना हक, जानिए अपना कानून, क्योंकि आप उतने ही आजाद हैं जितना आप जानते हैं। उस स्टोरी के ऊपर अब मेरे साथ एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए हैं। नमस्ते, मेरा नाम स्मृति है और मैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के साथ काम करती हूं। मैं महिला मुद्दों पे पिछले 8 साल से काम कर रही हूं। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे केसेस में सबसे पहला क्या करना चाहिए। जिस भी महिला के साथ बलात्कार होता है, पहले बहुत जरूरी है कि वो अपनी मेडिकल जांच करवाए। किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाके वो अपनी मेडिकल जांच करवा सकती है, और आपका जितना भी मेडिकल पे खर्चा होता है वो सरकार कवर करती है। मेडिकल करवाना कितना जरूरी है इन केसेस के लिए? मेडिकल जांच होनी बहुत जरूरी है 2 कारणों की वजह से। पहला कि उसको सही इलाज मिले, और दूसरा सबूत के तौर पे, जैसे उसके शरीर पे पाए गए नाखून, बाल, घास या फिर कुछ भी और मटेरियल। और क्या मेडिकल करवाने के लिए किसी FIR की जरूरत होती है? मेडिकल करवाने के लिए FIR का दर्ज होना जरूरी नहीं है। एक मैसेज स्मृति जी, आपकी तरफ से क्या आप कहना चाहेंगी? हाँ, ये एक गंभीर विषय है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता बदलें। कभी भी पीड़िता को ये महसूस ना करवाएं कि ये उसकी गलती उनकी है जो ऐसा करते हैं। ये पहल आपके हित में इंडिया इंस्टीट्यूट के नीति एक्सप्रेस अभियान द्वारा प्रस्तुत। इंडिया इंस्टीट्यूट एक लोक नीति संस्था है जिसका उद्देश्य है एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की रचना करना। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com पर इंडिया इंस्टीट्यूट TV चैनल। और अपने कानूनी हक जानने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें iTorney ऐप, iTorney, योर पॉकेट लॉयर।